सर वॉइस नहीं आ रहे हैं। वॉइस आएंगे अब की ना? हाँ जी, अब तो आवाज आ रहे होंगे। देखना, अब साउंड आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हरे राम कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे कोल क्रब के काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, कॉलीफ्लावर। तो आप जल्दी से फटाफट जुड़े। कौशिक रेडी, अक्षय कुमार मीणा, सर आवाज नहीं आ रहे हैं, अब तो आवाज आ रहे होंगे। देखना एक बार, थोड़ा यहां से ऑफ रह गए थे। सही है, अब तो साउंड आ रहे हैं। वॉइस नहीं आ रहे हैं सर, आ गई। यार पेन कहाँ रख दिया? चले जल्दी। मामराम जी गुज्जर, इनका कमेंट काफी अच्छा था। जय सर, जयपुर से बिल्कुल, इन्होंने काफी अच्छा कल कमेंट किया, मन प्रसन्न कर दिए। मामराज जी गुज्जर बहुत अच्छे। नरेश गहलोत गुड इवनिंग, मंजू सालवी गुड इवनिंग, दिलूराम गुरुदेव सादर प्रणाम, नमस्कार दिलू। और भाई बंधु जल्दी जल्दी से, राम हेत बैरवा गुड इवनिंग, युवराज धाकड़ गुड इवनिंग, मैना मीना गुड इवनिंग, कल्पेश, मोनिका, ओम प्रकाश, कांता, विकास, अक्षय, टीना, जी सर क्लियर, डोरेमोन, विकास हरियाणा, जगदीश चंद, विशाल माली, विष्णु धाकड़। चले आज की कहानी अब आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट, वीर बंजारा, सुरेश चंद्र सैनी, कुशल रेगर, धर्मपाल, कल्पराज मीणा। देखें, कल एक छोटा सा पॉइंट हमने क्या छोड़ा था ना, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। कल ओबीएस की थोड़ी प्रॉब्लम आ गया, क्या हुआ, एक-एक वो रुक गए। आज हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अली खान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अली। तो ये पॉइंट अपने बच गए थे, वो कर लेते हैं। जो कोल क्रॉप होते हैं ना, इनका हाइब्रिड भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। वो कौन कौन से हाइब्रिड है जरा देखें, जिनसे प्रश्न आ सकते हैं आपके, तो वो देखता हूं। जैसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कहने का मतलब क्या है, दो स्पीसीज के बीच के हाइब्रिड को हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक। दो स्पीसीज, इंटर वेराइटल बोला जाए तो दो वेराइटी के बीच, इंटर स्पेसिफिक बोला जाए तो दो स्पीसीज के बीच, और इंटर जेनरिक बोला जाए तो दो जेनरा के बीच के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इंटर जेनरिक। तो यहां पे शब्द क्या है दोस्त, जरा हम समझे इस पॉइंट को। यहां से क्या प्रश्न आते हैं सर, जरा वो बता दो। तो यहां से प्रश्न बनते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। देखो, एक तो ये याद होना चाहिए, नाभिकॉल ये आया हुआ है कि नाभिकॉल जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है वो किसके किसके क्रॉस से बना है। तो नाभिकॉल किसके किसके है, एक तो केल और दूसरा टर्निप के बीच के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, नाभिकॉल। दूसरा है कॉलीकॉब, तो ये याद हो जाएगा, कॉलीकॉब, कॉलीकॉब यानी कैबेज और कॉलीफ्लावर के बीच क्या बना, कॉलीकॉब। स्वेड टर्निप कैबेज को मिलाकर, तो ये याद मत रखना, ये एक याद रखना है अपने। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसका नाम लिख देता हूं, क्या है, रेफेनो ब्रेसिका। आप भी पढ़ते होंगे तो बहुत बार ये प्रश्न पूछता है, रेफेनो ब्रेसिका। तो ये रेफेनस सटाइवा, आपको याद आया कुछ? अरे सर, रेफेनस सटाइवा तो मूली को कहते हैं, बिल्कुल, यानी मूली और ब्रेसिका के बीच का क्रॉस होगा। तो ब्रेसिका देखो, ये मूली और यहां कैबेज, ब्रेसिका ओलरेसिया बर कैपिटाटा, तो ये क्या है, कैबेज। तो ये रेफेनो ब्रैसिका किसका किसके बीच का क्रॉस है, केवल ये याद रख लेना, रेडिस और कैबेज के बीच, मूली और कैबेज के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है, रेफेनो ब्रैसिका। नाभिकॉल किसके किसके बीच है, केल और टर्निप के बीच को क्या कहते हैं, नाभिकॉल। ठीक है, तो गहलोत ये देख लेते हैं भाई,
पहला जो क्रॉस है देखो ये नाभिकौल का है, केल और टर्निप के बीच है। टर्निप यानी सलजम और ऊपर केल, केल का पत्ती वाले भाग, तो ये बचा बना क्या, इसे नाभिकौल कहते हैं। सेकेंड वाले हैं रेफिनस, मूली और कैबेज के बीच का ये जो क्रॉस बना हाइब्रिड, इसको कहते हैं रेफेनो ब्रेसिका। क्या कहते हैं? रेफेनो ब्रेसिका। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक शायद आपको ध्यान में आना भी चाहिए कि ये कंप्लीट है। अब हम आज जो कहानी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का बेसिक जो पॉइंट होते हैं वो आप फटाफट आप मुझे शेयर कर दें जल्दी जल्दी से। क्या क्या है? 15-20 पॉइंट देखो आना चाहिए। अगर बोटनिकल नेम बोला जाए दोस्त तो क्या बोलोगे? ब्रेशिका, ओलेरेसिया, वर, बोटराइटिस। सही है। फैमिली की बात करें तो सारे फैमिली क्या होंगे? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। सही है। फैमिली के बाद 2N की बात करें तो 2N सबका कितना आ गया था? 18। इसके कौन सा भाग खाते हैं एडिबल पार्ट? तो बोलोगे आप कर्ड। देखो जनरल पढ़ने से क्या फायदा है, कर्ड। अगर आपसे उत्पत्ति पूछ लिया जाए कि ओरिजिन क्या है सर, तो आपने बताया था मेडिटेरियन रीजन। सही बात है। क्या होंगे उत्पत्ति? मेडिटेरियन क्षेत्र। उसके बाद अब आ जाए इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम क्या होता है इसका? ये होते हैं रेसिमोज। क्या होगा? रेसिमोज। रेसिमोज किसे कहते हैं? तो रेसिमोज में ऐसा ऐसा फूलों का क्रम होंगे उसको क्या बोलते हैं? रेसिमोज। तो इसके फूलों का क्रम कैसा होता है? रेसिमोज। तो ये इंपॉर्टेंट। अगर इसके लिए तापमान पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना होगा, तो कोल क्रॉप के लिए 18 से कितने, 22 डिग्री के आसपास। पीएच कितना होगा दोस्त? तो पीएच होंगे सर 5.5 से लेकर कितना, 6.5 के बीच। ये हमने कल सारे पॉइंट जनरल करा दिया। अब जनरल में क्या करवाऊं बताओ? ये सब चीज हमें यहां पे जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो करना है। सेक्स क्या होंगे सर? देखो सेक्स का मतलब मोनोसियस होगा। मोनोसियस यानी कैसा होगा? तो ये क्रॉस पोलिनेशन करवा चुका हूं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या क्या होंगे सर? तो इसमें प्रोटोगाइनी पाया जाएगा। उसके बाद क्या होंगे? स्पोरोफाइटिक एसआई पाए जाएंगे। ये सब चीज हम कल कर चुके हैं। कितने दिन में मैच्योर हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे 80 से 90 दिन में मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड जब सोइंग कब करेंगे, तो तीन तरह के फूलगोभी होंगे, अगेती, मध्यम और पछेती। वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं उसको शीतकालीन है सर, तो इसको सर्दियों में लगाएंगे। सर्दी में लगाने के 3 महीने बाद इसका क्या कर दोगे? हार्वेस्टिंग कर देंगे। ये सारे पॉइंट अपन कोल में डिस्कस, और डिजीज और डिसऑर्डर पहले हम पढ़ चुके हैं ना डिसऑर्डर के बारे में। लेकिन जो कुछ भी स्लाइड में है उसे आज अच्छे से फिर से करते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं पॉइंट आप जान रहे हो। देखें एक एक पॉइंट अच्छे से करवा देता हूं फिर से। चलो मस्त रहना, ये मत सोचना कि क्या है। फूल गोभी, तो ये कौन सा भाग है? एकदम बढ़िया से अब ऐसा पढ़े कि लगे कि नहीं यार जनरल पढ़ने का तो फायदा तो है। देखो क्या ये क्या है, कर्ड। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये कर्ड किसका रूपांतरण है, मोडिफिकेशन है, तो आप बोलोगे ना आराम से इनफ्लोरोसेंस का है। किसका है? इनफ्लोरोसेंस का रूपांतरण है जिसे हम कहते हैं पुष्प क्रम। क्या कहते हैं? मोडिफिकेशन। किसका है? मोडिफाइड है, पुष्प क्रम मोडिफिकेशन। अच्छा ये कर्ड किससे बना है? तो ये बना है वाइल्ड कैबेज के, वाइल्ड कैबेज का, यानी हम बोल सकते हैं कि फूलगोभी का रूपांतरण किससे हुआ है? तो वाइल्ड कैबेज के किससे हुए हैं बताओ? टर्मिनल, टर्मिनल यानी शीर्षस्थ कली से, बर्ड से। याद आया कि वाइल्ड कैबेज के ऊपर वाले जो कली फूल थे ना, फूल वाले, टर्मिनल फ्लावर लिख दूं, इनसे फ्लावर, इससे फ्लावर ही लिखता हूं, इससे क्या बना हुआ है? ये बने हुए हैं क्या? फूल गोभी। तो ये आपको टर्मिनल फ्लावर भी नहीं लिखो तो भी चले, अपना फ्लावर पार्ट लिखो तो सही है। तो कर्ड यानी किससे बना हुआ? वाइल्ड कैबेज के फ्लावर से इसका मॉडिफिकेशन हुआ, इनफ्लोरोसेंस है। कूल क्या है? क्रूसीफेरी। खाने योग्य भाग इसका क्या खाते हो? कर्ड।
कोल क्रॉप में क्या पाया जाता है, कल करवाया, प्रोटोगाइनी, यानी कि इसमें फीमेल पहले क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, उसको प्रोटोगाइनी। ऑरिजिन हमने सारे का करवा दिया मेडिटेरियन क्षेत्र और 2 एंड 18। तो देखो जनरल पढ़ने से क्या फायदा हुआ, आपको एक भी पार्ट इसमें ऐसा नहीं है जो हम नहीं पढ़े। आप बताना कि एक्स्ट्रा चीज हम क्या पढ़े। एक कोल क्रॉप में क्या होता है, एक पॉइंट जो छूट गया था थोड़ा, एक दो दिन से आप भी जान रहे हो कि हमें डिस्टरबेंस करने वाले लोग कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, जो पढ़ाने नहीं देते हैं, कोई बीच में आके गलत मैसेज करते हैं और वो डिस्टर्ब सब मिला के मुझे करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अब मैं क्या करूं कि यार एक तो कमेंट को बंद करूं, ब्लॉक करूं, तो ऐसे ऐसे चंडाल बहुत सारे वायरस आ रहे हैं जो दिक्कत करते हैं। बिल्कुल आपकी एस्टरलिटी वाले हम बात करते हैं, कॉलीफ्लावर में मेल एस्टरलिटी पियर्सन के द्वारा जो आपने बोला बिल्कुल अच्छा, पियर्सन है, जेनसन ने इनको लाया था और पियर्सन क्या थे, मेल एस्टरलिटी, बिल्कुल सही बात है, विष्णु धाकड़ 1981 में दिया था। ये हम चर्चा करते हैं इस पे, थोड़ा सा सुने कहानी को। अब हमें क्या है कि इसमें एक पॉइंट क्या छूट गया था, वो आज हम कोल क्रॉप के अत्यधिक सेवन करने से, जैसे अगर आप ज्यादा कोल क्रॉप को खाते हो, ज्यादा कोल क्रॉप, तो ये ना थायराइड जो ग्रंथि है, ये थायराइड की चर्चा कहां किया था, आहा सर भिंडी में किए थे, बिल्कुल। आयोडीन की कमी से आपको गोइटर का रोग हुआ था। यहां क्या है, यहां भी अगर ज्यादा कोई कोल क्रॉप सेवन करता है तो ग्वाइटेरोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि थायराइड ग्रंथि बड़ा हो जाएंगे और ग्वाइटर हो सकता है, गलगंड की बीमारी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा कोल क्रॉप, पत्ता गोभी और ज्यादा खाने से ना हमारे लिए नुकसान हो जाते हैं, तो इसको लिमिटेड ही करना। जबकि हम तो हॉस्टल में, जानते हो 5 साल के उम्र से मैं हॉस्टल में रहा हूं, घर से बाहर रहा हूं, कहीं आपको कहानी सुनाऊंगा, 5 साल के उम्र से ही मैं बाहर हूं, तो वहां ना हमेशा पत्ता गोभी, अभी देखते होंगे अब सस्ता हो जाते हैं, तो 1 रुपये में, उस समय तो 50 पैसे में पत्ता गोभी ऐसे एक पैकेट मिल जाते थे, एक थैला, रोज पत्ता गोभी बनते थे, रोज पत्ता गोभी। अब समझ में आया यार दिमाग थोड़ा कम इसलिए हो गया क्योंकि पत्ता गोभी बहुत खाया था। न्यूरोटॉक्सिक खेसारे की दाल, स्वीट पी, और ये ग्वाइटेरोजेनिक कौन होते हैं, कोल क्रॉप, ये ध्यान रखना, कोल क्रॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, देखो यहां से जो जो पॉइंट है वो समझते हैं। कोल क्रॉप के अत्यधिक उपयोग से, अगर कोल क्रॉप का उपयोग आप ज्यादा करते हो तो इसके उपयोग से क्या होंगे, गलगंड रोग। गलगंड को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर डिजीज। इसका सारा पॉइंट हमने बोल दिया कि ग्वाइटर कब होंगे, जब क्या होंगे, थायराइड ग्लैंड से किसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से श्रावण कम हो जाएगा किसका, वो होंगे थायरोक्सिन का, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन एक क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं किससे, थायराइड से, T3 T4 होते हैं, T3 मोर एक्टिव होते हैं, तो ये बाद में अपने ग्लैंड में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये देखो ग्वाइटर, तो इसमें क्या है, थायराइड ग्रंथि इतना बड़ा होना चाहिए था, अब ये क्या हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया। तो ध्यान रखोगे ये थायराइड ग्लैंड, इसकी साइज क्या होंगे, बढ़ गए, तो ग्वाइटर। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक नया पॉइंट क्या मिला, ब्लैंचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलीफ्लावर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आज मिला, सर हमने भी बहुत खाया पत्ता गोभी, कोई नहीं अशोक, नहीं होंगे वो, ऐसा डरने की बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा जो सेवन दिन रात, कैलाश चंद्र अब भी बहुत है, विनोद गुज्जर जी, विष्णु धाकड़ सन में रखते हैं, सर गर्मी बहुत ज्यादा है यार, सन रखते हैं आपकी स्टोरी, इसलिए हमारे हॉस्टल में भी आप पत्ता गोभी बनवाते थे, विष्णु धाकड़, अरे यार कुशल रेगर, पत्ता गोभी खाना चाहिए, ऐसा बात नहीं, इसमें मैंने अभी बोला था कि कोल क्रॉप में विटामिन ए प्रचुर मात्रा, विटामिन सी प्रचुर मात्रा, पर अत्यधिक सेवन से, तो अत्यधिक ऐसा नहीं कि उसके निगेटिव ले लेना है। राम है ऑल इन वन टीचर डॉक्टर हरिराम सर, एकता वेरी वेरी नाइस क्लास, ओम प्रकाश खान सर का क्या मामला है, सर खान सर का मामला क्या है वो आपको समझ में आता होगा कि इंसान जो होते हैं ना, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात हो, इस चीज को ना जीवन में आप गांठ बांध ले।
हमेशा चर्चा उसी की होती है जिसमें कुछ बात हो। गांव में ना हमारे बुराई, हम लोग को अगर बुराई करते हैं तो हम एकदम लड़ने के लिए उतर जाते हैं। मेरे को ये बोल रहा है, लड़ना मत। ईर्ष्या उसी की होती है, जलन उसी से होता है जो हमसे आगे हो। हम गांव में किससे जलते हैं बताना? हम खुद, हम इंसान हैं, हमें जलने की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, बिल्कुल हम जलते हैं। पर किससे जलते हैं? जो हमसे आगे निकल रहा हो, आगे निकल रहा है उससे जलन होते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई बुराई करे आपके, आपसे कोई ईर्ष्या करने लगे, उस दिन आप समझ जाना कि जिंदगी में औरों से ऊपर बढ़ रहे हो। लेकिन देखता हूं गरीब आदमी मरे हुए, उनकी कोई जलन नहीं, उनसे कोई जलते नहीं है, कुछ नहीं करते, उनकी चर्चा नहीं। तो जब जलने लगे लोग, तेरे चर्चा करने लगे, तेरे बुराई करने लगे, समझ जाना कि इन सबसे ऊपर जा रहा हूं। तो ये चीज है, खान सर को आज इतना अच्छा पढ़ाने लगे, किन्हीं को मिर्ची लग गया, कितने के दुकान बंद हो गए, उनसे तो वो लोग मिल गए। मुस्लिम समुदाय को वो थोड़ा सा टारगेट करते थे, टारगेट क्या, एक राष्ट्र के नाते वो सही है। पाकिस्तान वाले हमें कितने सारे चीज सुना देते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक इंसान अच्छा खासा बोल रहा है तो फिर उनको दुख हो गए। बस ये मामला था और ज्यादा कुछ है नहीं। अपन ठीक है, छोटे इंसान है, साधारण इंसान है, वो तो बहुत बड़े इंसान है भाई। चले आगे बढ़े। अब मुकेश सुंदेसा सर, लाला डेली 2 दिन छोड़कर 2 दिन, हरे राम सर के स्टूडेंट्स, हाँ जी सर, अक्षय कुमार, बिल्कुल सही बात है। इस तरह हमें पढ़ाते तो आज हम भी मुकेश नागर आपके साथ होते आरसीए में, हैं बनता था। कैलाश जी ये बताओ कि सर मेरे साथ भी कोई बारे में बहुत जलते हैं, जलते हैं तो हाँ, जिस दिन जलना शुरू कर दे मजा आ जाए, बोले अच्छा मेरे जल रहा है, समझ जाना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। नहीं जल रहे हैं ना तो समझना अभी तुझे मेहनत करने की जरूरत है। आजकल ना 1-2 दिन ना मेरे YouTube में लोग बाहर से आके डिस्टर्ब करते थे तो मैं अंदर अंदर खुश होता था। अंदर से हालांकि देखो क्लास डिस्टर्ब होते हैं, पर मुझे अंदर से खुशी होने लगा कि चलो मिर्ची तो लग रहे हैं कहीं, ये चीज अच्छा लगता था कि लोग जल तो रहे हैं हमसे, इसका मतलब मैं बेहतर कर रहा हूं, तभी जलन होते हैं। तो मुझे देखा होगा जल्दी मैं ज्यादा गुस्सा उस्सा नहीं करता हूं, अंदर से खुश होता हूं। हाँ थोड़ी सी गलत कमेंट कर देते हैं तो लड़के थोड़ा नाराज हो जाते हैं, उनपे गलत इम्पैक्ट जाता है, मुझे इन सब पे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे देश की प्रधानमंत्री, हम तो एक बहुत भिन्न छोटी सी प्राणी है, देश के प्रधानमंत्री को 1 लाख गाली रोज लिख देते हैं लोग, तो अब उतना वो देखने के लिए बैठे बताओ, नहीं देखते हैं ना। तो इंसान है, जनता है, लोग है, हम भी किसी की बुराई करते हैं, जिनका काम है बुराई करना उन्हें करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो कर्म है वो करते रहो, बस करते रहो, समय का इंतजार करें, समय सबसे बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त, समय सबको सिखाता है, तो सब अपने आप आएंगे आपके पास, बशर्ते आप झुके नहीं, जले तो जलने दो, मस्त रहो आप। सही है, तो आज के बाद लड़ना नहीं है सर जी, थ्योरी की क्लास थोड़ा सा। कृष्णा शर्मा आगे बढ़ते हैं अब, सही बात है सर, राम राम सर, क्लास आगे बढ़ाएं, बिल्कुल रितेश जी गुप्ता बढ़ाते हैं। अगला है ब्लैंचिंग, क्या होता है ब्लैंचिंग आज अच्छे से समझते हैं। एक ब्लैंचिंग तो आप कहां करते हो बताओ? पोस्ट हार्वेस्ट में कहां कर देते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट में पढ़ेंगे, वहां भी ब्लैंचिंग करते हैं। एक ब्लैंचिंग यहां है, ब्लैंचिंग का मतलब डायरेक्ट सूर्य की किरण पड़ने से रोक देना है। कैसे रोकोगे डायरेक्ट? सर कैसे रोके? या तो ये शर्ट खोल खोल के इस फूलगोभी पे रख दे तभी तो रुक सकते हैं। घर में जितने शर्ट पैंट है, चादर उधर सब निकाल करके लाना और फूलगोभी को ढक देना, बोलना ये पूछेगा क्यों ढक रहे हो? नहीं, हरे राम सर बोले हैं कि डायरेक्ट सूर्य की किरण, ये सूर्य है, सन है, डायरेक्ट सूर्य की किरण तुम पे पड़ने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा पड़ने। बोलेगा फूलगोभी, पूछेगा क्यों, क्या ऐसा दिक्कत है जो हरिराम सर तेरे को पढ़ा दिए कि नहीं दोगे पढ़ने? नहीं, वो बोले हैं कि सूर्य की किरण में एनर्जी होते हैं और इस एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। इस क्वांटा, अगर इस पे क्वांटा ज्यादा पड़ेगा तो ये ना सफेद से पहला, व्हाइट से ये फूलगोभी हो जाएगा क्या, येलो। फर्स्ट पॉइंट।
अगर सफेद से फूलगोभी अगर पीला हो गया तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएंगे दोस्त, कम हो जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जब फूलगोभी को आप खाते होंगे तो क्या देखता होगा, इसमें कुछ ना सुगंधित पदार्थ पाए जाते हैं। इस सुगंधित पदार्थ को हम कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस, जो वाष्पशील होते हैं। ये एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, जिसमें एरोमा होते हैं, खुशबू होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है, वोलाटाइल। जब इसको गर्मी में छोड़ दोगे तो ये वाष्प बन के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास तापमान पे, जैसे 25 डिग्री तापमान, 28 डिग्री तापमान, जैसे इस कर्ड का पहुंचेगा तो ये वोलाटाइल वाष्पशील जो पदार्थ है ये निकल जाएंगे। तो अगर वोलाटाइल सब्सटेंस का मान कम हो जाएंगे तो इसमें खुशबू नहीं आएंगे। आप सब्जी तो खाओगे पर वो खुशबू नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएंगे, यानी टेस्ट भी क्या हो जाएगा इसका, खत्म, यानी कम हो जाएंगे। अब ये सारे चीज अगर ऐसा होगा तो मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी क्या हो जाएगा दोस्त, कम, इनकम, डिमांड कम हो जाएंगे। इस क्रिया को रोकने के लिए कि यार पीला ना हो, वोलाटाइल सब्सटेंस कम ना हो, टेस्ट में कमी नहीं हो, प्राइस में कमी नहीं हो, तो हमें डायरेक्ट रोकना किसको है, सूर्य की किरण को। किससे रोकना है, तो कोई भी पदार्थ ले सकते हैं। कोई भी पदार्थ का मतलब सर छाता लेके ऐसे खड़ा रहूं, ये कर्ड है छाता लेके, पर कितना देर रह सकते हो भाई। एक फूलगोभी रहता तो छाता लेके रहेंगे, अब एक हेक्टेयर में फूलगोभी लगा दिया तो एक हेक्टेयर में 10,000 फूलगोभी लगे हुए हैं, तो ना तो इतने कपड़े हैं ना कुछ है हमारे पास। तो हम क्या, वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि सेल्फ ब्लांच वैरायटी बनाए। सेल्फ ब्लांच का मतलब सर, जो फूलगोभी अपने आप अपने कर्ड को ऐसे ढक ले, इसको कहते हैं सेल्फ ब्लांच वैरायटी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो यानी कि पत्तियों को अगर ऐसा बना दिया जाए बढ़ के, तो ये कर्ड देखो, ये ऐसा फूलगोभी आपने देखा होगा, ये पत्ती बड़े हो गए तो ये अंदर एकदम ऐसे रानी जैसा दुबकी हुई है एकदम अंदर, तो ये वैरायटी कैसा कहलाता है, सेल्फ ब्लांच, जिसको बोलते हैं स्व ब्लांचिंग, जो अपने आप क्या करता है, ब्लांचिंग करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ ब्लांच वैरायटी। ये सेल्फ ब्लांच वैरायटी कौन होते हैं, तो मिड जो वैरायटी होते हैं और लेट जो वैरायटी होते हैं वो होते हैं सेल्फ ब्लांच। जितने पछेती वैरायटी मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो होते हैं सेल्फ ब्लांच, वो अपने आप उसमें ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं। तो आपको अब एक पॉइंट छोटी सी समझ में आया होगा, सर ब्लांचिंग क्या है, तो ब्लांचिंग क्या है, सूर्य की किरण को डायरेक्ट ना पड़े किस पे, कर्ड पे। इसको रोकने के लिए हम किसी भी पदार्थ से कर्ड को ढक दे, जरूरी नहीं है किसी भी पदार्थ जो है कि डायरेक्ट सूर्य की किरण ना पड़े। पर इकोनॉमिकली क्या होगा कि सेल्फ ब्लांचिंग में अपने आप इसकी पत्तियां इसको ढक ले, ताकि इसके कर्ड कैसा हो, एकदम खूबसूरत, कॉम्पैक्टनेस ज्यादा हो, इसको कहते हैं कॉम्पैक्टनेस, आपस में एकदम ऐसा ऐसा इसका जुड़ा हुआ रहे सारे फूल, इसको फूल बोलते हैं, जुड़ा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्टनेस। हालांकि ये ट्रू फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्लावर नहीं है, इसमें जब अभी स्टंपिंग की क्रिया हम समझाएंगे, स्कूपिंग, स्टंपिंग पत्ता गोभी में, स्कूपिंग कॉलीफ्लावर में, तो इससे ओरिजिनल में क्या निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे, तो ये बात हम करेंगे। तो ब्लांचिंग पीला पड़ने से रोकेगा। अब हमें समझना है कि ब्लांचिंग करते किसमें है सर। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जरा देखना। तीन तरह के आप पढ़ोगे क्या फूलगोभी का, एक तो अर्ली वेराइटी अगेती, दूसरा क्या है मिड, और तीसरा क्या है लेट। अब आप समझना, लेट वाले में क्या होते हैं, इनमें सारे सेल्फ ब्लांच वैरायटी होते हैं। सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी किसमें पाया जाएगा, तो आप बोलोगे लेट, लेट वाले जो होते हैं अपने आप ये क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। मिड वाले को भी पूछा जाए तो ये भी कैसे होते हैं, लगभग सेल्फ ब्लांच वैरायटी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर फूलगोभी है तो स्व सेल्फ ब्लांच वैरायटी किसमें होते हैं, मिड में होते हैं और लेट में होते हैं। लेकिन अगेती जो होते हैं दोस्त, इसका तो आप बोले जून जुलाई में ही हम क्या करते हैं, नर्सरी लगा देते हैं। अब ये मार्केट कब आ जाते हैं, मार्केट तो सितंबर अक्टूबर में ही आ जाते हैं, तो ये पूरी जो वैरायटी है ये गर्मी सहन कर रही है बेचारी। अब ये गर्मी, अब ये कड़ी धूप से बचाने के लिए
आपको ना ब्लांचिंग करना पड़ेगा, यानी कि इसमें सेल्फ नहीं, इसमें ब्लांचिंग करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, यानी ब्लांचिंग करते हैं सर, कैसा करते हो? तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब जिसमें हम इंसान अपना हस्तक्षेप कर दें, तो इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। पर क्या सर ये सेल्फ ब्लांचिंग ये कैसा है? ये प्राकृतिक रूप से है भाई, ये अपने आप चादर लेके आए हैं, नेचुरल, ये अपना बिछावन ओढ़ना जो होते हैं, हॉस्टल में आए हैं तो अपना बेड बेडशीट सब लेकर आए हैं, कौन? मिड और लेट। तो डायरेक्ट अभी मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं जिसमें लड़के को बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बताओ किसमें चादर बिछावन लेकर आए हैं फूलगोभी? तो मिड और लेट। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि इसकी बुआई करते हैं ठंड में, अक्टूबर नवंबर में, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये अपना अपना बिछावन लेकर आए हैं। ओरिजिनल में तो यही वेराइटी है, पर अब क्या, अब ग्रीन हाउस आने से क्या अगेती अगेती वेराइटी ऐसे लगाने लगे और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने लगे अगेती का, अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल, बाहर से हम कर्ड को ढकते हैं, तो इसमें हम अपना हस्तक्षेप करते हैं। तो पूछेगा भाई आर्टिफिशियल ब्लांचिंग किसमें करते हैं रे? तो अगेती वाले। सेल्फ ब्लांचिंग फूलगोभी खुद अपनी ब्लांचिंग किसमें कर लेता है? तो ये मिड में और लेट में अपने आप वो ब्लांचिंग, सेल्फ ब्लांचिंग का इमेज में ऐसा दिखा दिया हूं, तो ये क्या है? सेल्फ ब्लांचिंग। तो अब आपको शायद ब्लांचिंग कुछ समझ में आया होगा कि ब्लांचिंग क्या होते हैं। अगर समझ में आया तो बिल्कुल आप थम्स अप करें ऊपर, ताकि मुझे समझ में आए। टॉप स्टेटस खटिक, नमस्कार सर, एकता, अक्षय कुमार, नमस्कार खान सर, की वीडियो अच्छी थी सर, बिल्कुल मैडम का जिद था कि बना दे, लेट वैरायटी में ब्लांचिंग नहीं करते हैं। देखो कंफ्यूजन आ गया ना, ब्लांचिंग नहीं करते, ब्लांचिंग होता है, हम नहीं करते, हम ये नहीं जाके उसको चादर उड़ाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये उड़ाने का काम किसमें करेंगे? अगेती में। अगेती में हम इंसान हस्तक्षेप करेंगे ब्लांचिंग में, चाहे स्ट्रॉ से ढक दें, वो धान का गेहूं का वो स्ट्रॉ आता है उससे ढक दें, जिससे आपको ढकना है, कम्बल उड़ा दो, बेडशीट उड़ा दो, जो करना है करो, हम हस्तक्षेप करेंगे। या तो आप जाके ग्रीन हाउस के अंदर लगा दो, वो भी एक ब्लांचिंग की क्रिया हो गई। तो ये ब्लांचिंग आर्टिफिशियल रूप से किसमें करेंगे? अगेती में, लेकिन मिड और लेट में नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो फिर आप गलती कर दोगे, और इस चीज को गलत नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखना। ब्लेंचिंग की क्रिया आपको समझ में आ गए होंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस को, तो ये एरोमा, वोलेटाइल, इन सब को मेंटेन रखने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं? ब्लेंचिंग। जी हां, चले अब आगे। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। पंखा चलाता हूं तो मुंह पे पंखे, ये हवा, और मुझे क्या बोलने में दिक्कत होते हैं फिर, तो मुझे हवा भी नहीं चाहिए, समझाना, मुझे कुछ चलते रहते हैं ऊपर ना, तो एकदम दिमाग खराब होते हैं। ब्यूटी सिंह शानदार। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने ब्लेंचिंग समझ गया तो मौनफोल चौधरी शानदार, थोड़ी सी फास्ट कहानी करते हैं, ब्लेंचिंग आपको समझ में आ गया। अगेती में ब्लेंचिंग करते हैं, ये लिखा हुआ पॉइंट है, और पछेती और स्नोबॉल। देखो अगर आपको एग्जाम में कोई स्नोबॉल आ जाए, स्नोबॉल लिखा हुआ आ जाए, क्या स्नोबॉल, तो स्नोबॉल अगर आ जाए तो आपको क्या समझना है कि स्नोबॉल का मतलब ये कैसा वेराइटी है? ये लेट वेराइटी है। जिसमें स्नोबॉल लगा आ जाए तो वो कौन सा वेराइटी समझोगे? वो हम समझेंगे लेट वेराइटी। कैसा मेरे दोस्त? लेट वेराइटी। तो कर दोगे छोटू सिंह बोरुंदा, ब्लांचिंग नहीं करते हैं, ब्लांचिंग आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, फूलगोभी अपने आप उसमें क्या कर लेंगे? ब्लांचिंग की क्रिया कर लेंगे। आज तो सर कुछ अलग अंदाज में समझा रहे हो, मजा। बाकी दिन क्या मुजरा करता हूं रे जगदीश, बाकी दिन भी तो अपने अलग अंदाज ही लाते हैं भाई, पढ़ाने का जो है अपना जरिया वो, आज तो कुछ अलग अंदाज में पढ़ा रहे हो सर। धर्मपाल जी, एकता, चले छोटू सिंह। अब हम आगे की कहानी और सुनाते हैं। राजस्थान में अगर पूछा जाए तो अजमेर, जयपुर, अलवर प्रमुख उत्पादन, ये आपके एग्रीकल्चर सार का है। इसके पहले दो दिन देखो, सार में डायरेक्ट फूलगोभी से शुरू है, पर दो क्लास जो मैंने बताया वो सारूर में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको एग्रीकल्चर सार में मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट है ना बहुत महत्वपूर्ण, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, देखना।
ये पॉइंट पे डबल स्टार लगाना, आप देखोगे ज्यादा प्रश्न यही पूछेंगे। क्या है जरा समझते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट में कह रहा है कि फूलगोभी जो है ताप के प्रति, यानी ताप क्या होता है, जरा फैन बंद कर लूं, फूलगोभी ताप और प्रकाश अवधि, प्रकाश अवधि का मतलब क्या होते हैं, लाइट पीरियड, यानी जिसको फोटो पीरियड बोलते हो, लाइट पीरियड को मैं और क्या बोलूं, फोटो पीरियड, और ये सही शब्द है फोटो पीरियोडिज्म, लिख लेता हूं फोटो पीरियोडिज्म। अब ये मैंने बड़ा अच्छा बोला था, फोटो पीरियोडिज्म को क्या बोलते हो, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब प्रकाश की अवधि। और इसको हमने बड़ा अच्छा से दीप्ति कालिता को समझाया था, तीन तरह के, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल, समझा दिया था। तो ये जो फूलगोभी होते हैं ना, अगर इसमें तापमान ज्यादा दे दोगे, कितना से ज्यादा सर, ज्यादा ज्यादा तो ये 18 से 20 ही मांगते हैं, पर आप 22 तक रख सकते हो, लेकिन मुझे राजस्थान में फूलगोभी लगाना है, तो राजस्थान में ताप क्या हो जाएंगे बताना, इसका टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, बिल्कुल, लेकिन ताप के प्रति तो सर ये अत्यधिक संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब सेंसेटिव है, बिल्कुल संवेदनशील है। सर संवेदनशील कहते किसे हैं, ये नहीं समझ में आता है। जैसे मैंने आपको बड़ा अच्छा क्लास में समझाया था कि तीन चार लड़की है, और इन तीन चारों लड़की को आइसक्रीम दिए थे हम खाने, सबको एक एक आइसक्रीम, और एक लड़की के दांत में ना कैविटी है, कैविटी का मतलब समझते हो ना, वो खोंधड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, गड्ढा है। तो सारे जब आइसक्रीम खाएगी तो जिसके दांत में खोंधड़ होगा, कैविटी, वो बोलेगी ऐसे कस के की ना, यानी सबको ठंडा तो सबको लगा, पर एक लड़की बहुत ज्यादा की क्योंकि ऐसा, क्योंकि वो कोल्ड टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है। सबसे ज्यादा किसको ठंडा लगा, उस लड़की को जिसमें कैविटी क्या है, ज्यादा। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा संवेदनशील क्या होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, सहनशील। सहनशील क्या है, आज देखो ये गर्मी लग रहे हैं पर हमें दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पसीना चलते हैं बस सह लेता हूं, ये सहनशील है। टॉलरेंस, टॉलरेंस। रेसिस्टेंट क्या है, रेसिस्टेंट लेबर लोग, मजदूर लोग, भाई गर्मियों में काम कर रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे कि नहीं टेम्परेचर के प्रति लेबर रेसिस्टेंट है, उनको गर्मी से कोई अंतर नहीं पड़ रहे हैं, बेचारे खट रहे हैं। हम लोग क्या है, हम क्या कर रहे हैं, टॉलरेंट, सहन कर रहे हैं, भाई जब तक मुझे सहन होता है मैं करता हूं, बहुत गर्मी लगने लगते हैं तो थोड़ा सा स्विच ऑन कर देता हूं, तो इसको टॉलरेंस बोलते हैं, सहनशील। और संवेदनशील समझ में आ गया। तो बताओ फूलगोभी किसके लिए है, अगर तापमान ज्यादा दे दोगे और प्रकाश की अवधि भी ज्यादा दे दोगे तो ये फूलगोभी जो ऐसा होना चाहिए था ऐसा हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो मार्केट में कीमत क्या मिलेंगे, कम, क्या मिलेगा, कीमत कम मिलेंगे, बिल्कुल सही पॉइंट है। बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, फूलगोभी किसके किसके प्रति एकदम सेंसिटिव है, लाइट एंड फोटो पीरियोडिज्म के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर आप अधिक तापमान दोगे तो फूलगोभी सक्सेस नहीं होंगे। इसको आप कौन सा नाम देते हैं, तो इसको रिसिनेस भी कहते हैं। तो रिसिनेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फजीनेस, रिसिनेस में एक्चुअल में वॉल्वेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, वो मैं आपको डिसऑर्डर में करवा चुका हूं। अगला पॉइंट क्या है, फूलगोभी की अगेती किस्म को देर से बोने पर, फूलगोभी की कौन सी किस्म है, अगेती, यानी अर्ली वेराइटी जो है, इसको अगर लेट सोइंग करते हैं, लेट सोइंग करेंगे अर्ली वेराइटी को, तो समस्या इसमें क्या आएगा, बटनिंग, बटनिंग। ये बटनिंग अभी एओ में भी पूछा था, इंपॉर्टेंट है। बटनिंग का मतलब क्या होता है, बटनिंग, देखो ये फूलगोभी है, अब ये छोटा हो गया इसका साइज, तो इसको क्या बोलते हैं, बटनिंग। बटनिंग का मतलब बटन के जैसा, यानी कर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल इन साइज, एकदम आकार में क्या होगा, छोटा। तो कर्ड छोटा हो गया, छोटा कब होंगे सर, तो ये नाइट्रोजन के कमी के कारण, नाइट्रोजन के कमी के कारण ये क्या होते हैं, बटनिंग। ये डिजीज में, डिसऑर्डर में अलग से पढ़ा चुका हूं, यहां पर हम ज्यादा इसके चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल टीचिंग सर। चले आगे बढ़े, खूब गर्मी, कहां बोतल रखा हूं रे, पानी भी पीना था, अब उधर ही है। चले टीना, विनोद गुजर, आज यही अब निपटा के मस्त करेंगे, आज फूलगोभी एकदम निपटा देना है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी से सर, राहुल, मोकी
विनोद गुजर, नरेश गहलोत, एकता जी सर, विष्णु धाकड़, स्मॉल कार्ड, सबको यहां तक मैं समझ में आ गए हैं। थोड़ा सा एक 2 मिनट बात कर लूं आपको कुछ। इसके बाद प्लांट जेनेटिक्स पढ़ा दूं। देखो पसीने पसीने चल रहा हूं, मुझे दिख रहा है यहाँ कैमरे में। प्रिंसिपल ड्यू टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी, बिल्कुल सही है प्रिंस। बटन लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटा लाइक स्ट्रक्चर हो गया, बटनिंग हो गया ये। कांता, यस सर। जगदीश, कांता बीएससी तुम्हारे है ना तुम लोग का, तो तुम डबल ए हो तो दे सकती हो, तो प्लांट जेनेटिक्स शुरू कर दूं। यार खूब लड़के बोल रहे हैं प्लांट जेनेटिक्स, बिल्कुल बहुत अच्छे से मजा ला दूंगा प्लांट जेनेटिक्स, आप यकीन करें। योगेश, रामेश्वर गुजर, यस सर। राहुल सिंह, नाइट्रोजन की अधिकता से बिल्कुल हॉलो स्टेम कर लेंगे उसको नाइट्रोजन की अधिकता से। विष्णु धाकड़, कैलाश सर की क्लास लगवाओ गधेड़ी, 4 बार बोल दिया हूं कि अभी लॉकडाउन है कि आना जाना मुश्किल, एक चीज रट लेगी। आगे बढ़े, अक्षय कुमार मीणा, विनोद गुजर, मधु शर्मा, ओम प्रकाश, दशरथ, मजा ला दिए सर, खुशी, कांता जी सर, राजेश टांगी, मौज कर दिए। अच्छा, कल से एक टेस्ट सीरीज जो आपको शुरू हो रहे हैं ना, बिल्कुल मैं बता दूं, कल बिल्कुल हमारे स्टाफ आ जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज का टाइम मैं रख रहा हूं 9 बजे। डेली टेस्ट सीरीज आपको देना है, डेली। और वो ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है जैसे अभी ऐप पे डाल दिया कि जब मन होगा कम देना। 9 से 9:30 का मैं टाइम आपसे पूछ रहा हूं, तो ये 9 से 9:30 में आप बिल्कुल, आधा घंटा का ही टेस्ट सीरीज है, उसके बाद वो ओपन होंगे ही नहीं। आप आधा घंटा में जो दिए से दो, जो दिए, अब उसमें रैंक वाइज अगले दिन मैं उसका रिजल्ट सुनाऊंगा। 10-20 मिनट अपने रखेंगे, अगले दिन उसका रिजल्ट, और जो फर्स्ट होंगे उसको या तो अपने ऐप हो, या तो बुक हो, या तो प्राइज, डेली अपने प्राइज का रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आप आधा घंटा टेस्ट सीरीज, अब जो पढ़ लिया तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अब वो जेट जो पैटर्न है, बिल्कुल जेट का अलग पैटर्न होगा, जिसमें कि आप एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, या हमें कुछ लड़का बोले कि नहीं सर आप 10 दिन केवल एजी एजी का ले लो, तो ये सही है, उसमें हमें दोनों काम आ जाए, जेट सुपरवाइजर ये सब सब आ सकते हैं। तो वो आप आधा घंटा, हिंदी का अलग पेपर, इंग्लिश का अलग, दोनों मीडियम अलग अलग, तो आधा घंटा बिल्कुल आप टेस्ट दे। और वो खाना उना खा लेते हो तो आप सो के ऐसे आधा घंटा आप वो सबमिट कर दोगे, वहां तुझे कुछ एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, यहां तो कमेंट में एक दूसरे को देख लेते हो। तो डेली और डेली रिजल्ट सुनाना। अरे भाई ज्यादा नहीं जुड़ेंगे, पर मुझे विश्वास है अपने 100 लड़के तो जुड़ेंगे, 100 में 1 तो आएगा कि भाई हमारे रैंक क्या है, वो तो समझ में आएगा। तो डेली टेस्ट आधा घंटा के रखे तो सही है, मॉर्निंग में या शाम में, तो शाम वाले सही रहेगा, 9 बजे वाले, ताकि सब लड़के अपन घर पे भी आ जाएंगे और आराम से आप दे सकते हो। 9:30 बजे लड़के सोते हैं तो ये अच्छा भी रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि खूब सारे लड़के बोलते हैं रोज कि सर एक टेस्ट सीरीज शुरू करो, मैं वहां पेमेंट दे रहा हूँ 399, 499, 599, वो देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल, अगर आपको टेस्ट देना है डेली, तो आप डेली फ्री टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे है, वो ज्वाइन कर लो ना भाई, 100 टेस्ट तो वहां डाले हुए हैं, उतना पेपर तो तुम कर भी नहीं पाओगे। अब डेली जो हम लेंगे प्रैक्टिकल, जिसमें ऐसे लिस्ट लाके तुझे टॉप 10 लड़के का नाम लूंगा, डेली नाम लेंगे कि ये लड़का टॉप किया, इतना में इतने नंबर लाए, इतने, उसमें आपस में एक कंपटीशन होंगे पैदा, और वो चीज मजा आएंगे सबसे ज्यादा, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो टाइम अपन फिक्स करें, टाइम अपन फिक्स करते हैं 9 से, आधा घंटे की टेस्ट 9 से 9:30 या 9:45, और इसमें प्रश्न की संख्या अपन डेली 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और समय 30 मिनट केवल, क्योंकि गोला भरना नहीं है। तो 9 से 9:30 आधा घंटा आप टेस्ट के लिए डेली आप दें। इसकी प्रश्न की संख्या मैं बढ़ा भी दूंगा, क्योंकि गोला नहीं भरना है, तो ज्यादा ज्यादा एक प्रश्न ना 30 सेकेंड लग सकते हैं, 30 सेकेंड। पर ये चीजें थोड़ा समय जेट वाले में, जब बायो का मैं शुरू करूंगा केमिस्ट्री का, तो दिक्कत है। अभी मैं केवल एग्रीकल्चर शुरू कर रहा हूं, कल या परसों से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा,
आपको YouTube पे भी मैं नोटिफिकेशन दे देता हूं, ग्रुप में डाल देता हूं, अपने ऐप पे डालता हूं, हर जगह। ये आप टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन करो, एग्रीकल्चर कर लो जो सुपरवाइजर के बच्चे हैं, फिर हिंदी जीके सारे रोज आप टेस्ट सीरीज दो। अब एग्जाम जब होंगे होंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कैसे पता। 100 लड़का 125 लड़का में अगर जिस दिन तुम टॉप करोगे ना, अंदर से एकदम एक खुशी आएंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर पहले लेते हैं, और लगभग एग्रीकल्चर पूरा हो गया तो एजी एजी हम एकदम निपटाते हैं। तो कल या परसों से डेली रात को आपको 9 बजे से पहले ना तो वो खुलेगा और 9:30 के बाद नहीं खुलेगा, ध्यान रखना। फिक्स टाइम 9 से 9:30, ये आपके टेस्ट के टाइम फिक्स कर दिया जाता है। आप उसके पहले भी नहीं सबमिट कर सकते, उसके बाद भी नहीं सबमिट होगा, उसके बाद आधा घंटा के लिए ही पोर्टल खुलेंगे डेली टेस्ट सीरीज वाले, ठीक है। तो वो लिंक मैं आप ग्रुप में आज मैं डाल देता हूं, आज या कल डाल दूंगा मयंक भैया से पूछकर। तो कल से वो चीज आपके लागू हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल। और बढ़िया प्रश्न, एकदम शानदार प्रश्न, मुझे एक घंटा लगे तो लगे, एक पूरी एग्रीकल्चर से मॉडल पेपर आप समझ के बनाना। ये नहीं कि एक केवल होती से सर दे दिए 40 क्वेश्चन, नहीं, पूरी एग्रीकल्चर से आपके आएंगे। और ये एग्रीकल्चर का सिलेबस मैं बता देता हूं आपको, एग्रोनॉमी रहेंगे, जनरल एग्रीकल्चर रहेगा, सॉयल साइंस रहेंगे, हॉर्टिकल्चर रहेंगे और एनिमल हस्बेंड्री। ये 5 सब्जेक्ट आप देख लेना, जनरल एग्रीकल्चर, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर और क्या मैंने बोला, एनिमल हस्बेंड्री। इससे कंप्लीट एग्रीकल्चर से आपके मॉडल पेपर आएंगे, अलग अलग नहीं, पूरा जब दोगे तब मजा आएंगे। तो ये कर लिया दोस्त स्मॉल साइज, हाँ लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा दोस्त। अब जल्दी जल्दी निपटा दो, इसको निपटा दो। अंकित कुमार मीना सर, क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन के लिए समय 30 मिनट डेली, 30 मिनट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन की संख्या 40 फिक्स रखते हैं, बिल्कुल। हाँ 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नंदनी सर जी टेस्ट देंगे, बिल्कुल अंकित कुमार, हाँ टेस्ट दे सकते हो, सारे लोग टेस्ट दो ना, मेरे यहां कोई चार्ज वर्ज अभी नहीं है टेस्ट का, फ्री टेस्ट दो, डेली टेस्ट फ्री दें। अब आते हैं पुष्प क्रम की बात करें दोस्त, कि भाई पुष्प क्रम क्या होता है, एक बार चर्चा कर लेता हूं इनफ्लोरोसेंस के। इनफ्लोरोसेंस क्या है, नीचे दिया होगा आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना, हाईटेक क्लासेस, बाकी आप टेस्ट शुरू करें, परसों से बिल्कुल टेस्ट सीरीज शुरू है। पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस फूलों का क्रम। देखो अगर फूलों का क्रम इस तरह से हो, कभी कभी पूछ लेते हैं ये प्रश्न, जरा ध्यान रखना, ये है रेसिमोज। रेसिमोज में ओल्डर जो फ्लावर होते हैं, ओल्डर जो पुराने फूल होते हैं, वो कहां होते हैं, नीचे होते हैं, और यंगर जो होते हैं, यंगर का मतलब जवान वाला, नया, यंगर का मतलब न्यू, न्यू फ्लावर, ये ऊपर होते हैं। तो ऐसे फूलों का क्रम कहलाते हैं रेसिमोज। लेकिन फूलों का क्रम ऐसा हो माथे पे एक आ जाए, मैंने बताया था ना, अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब ये और ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, ये होते हैं साइमोज। तो आपको साइमोज और रेसिमोज ये समझ में आना चाहिए। रेसिमोज वाले में ये फूल लंबा होंगे ऐसे, और साइमोज वाले में ये रुक जाएंगे, तो ध्यान रखना ये दिक्कत आएंगे समझने में। तो इमेज के द्वारा आप समझे, 3 से 4 सप्ताह के पौधे को रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग मैंने करवा दिया था, ये ट्रांसप्लांटिंग दिखा दिया, इसमें डैम्पिंग ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट, डिजीज बता दिया, पीथियम से होते हैं, नर्सरी कब ट्रांसफर करते हैं, 2 से 4 पत्तियों में पीजीआर का उपयोग करेंगे, 4 से 6 पत्तियों में हम किसका उपयोग करेंगे दोस्त, 4 से 6 पत्तियों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, 4 सप्ताह में ट्रांसप्लांटिंग होगा। अब इसमें गर्म जल उपचार यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये पूछता है कितने डिग्री पे करते हैं, 50 डिग्री पे, कितने मिनट के लिए करते हैं, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट 30 मिनट के लिए करते हैं। अगर कोई बीजों में होगा बीमारी जो बीजों के द्वारा फैल जाते हैं, तो उसमें हम ज्यादातर करते हैं क्या, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये आपको पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है। तो माइनूट बीट जनित रोगों को रोकने के लिए क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे बीजो उपचार कहते हो, सीड ट्रीटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं सर, अशोक नागर टाइम कम करो सर 40 क्वेश्चन पर, टाइम कम 20 मिनट कर देता हूं, बिल्कुल टाइम, हां
थोड़ी फास्ट रहे तो वो मजा आ जाए। एकदम अशोक, ये आपने सही बात किया कि सर 20 मिनट में ही वो लॉक कर दो, एकदम मजेदार चीज। हाँ आधा, क्योंकि गोला नहीं भरना है तो खूब है, 20 मिनट रखते हैं अपन टेस्ट का, सबसे अच्छा। ना तो आपके ज्यादा समय लगेंगे और आपके रैंक भी आते रहेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये मैं सोच भी रहा था कि थोड़ा 30 मिनट ज्यादा है, लड़के बोर होंगे, 20 मिनट अपन सही है, सबको सही है, 20 मिनट, 20 मिनट का ही रखते हैं, सही बात है। अच्छा, ये हमने आपको सीड रेट कितना अच्छा बताया, बताओ सीड रेट में कोई दिक्कत? सीड रेट हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि जो अगेती होंगे मध्यम होगा, पछेती होंगे। तो अगेती का जून जुलाई से ही हम क्या करने लगते हैं, जो लिखा हुआ है देख पढ़ देता हूं एक बार, मन की शांति हो जाए, ऐसे मैं अच्छा समझा दिया हूं। टाइम ऑफ सोइंग, कब इसकी बुआई करेंगे भाई, बुआई का समय क्या होगा? तो इसकी बुआई के समय अर्ली के लिए, अर्ली की बात कर रहा है अगेती की, तो अगेती की बुआई हम करते हैं मिड मई से लेकर इंड जून तक। आप बुआई करोगे तो इसका ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग देख लो यहां समझ लेना, अगेती है ये टेक्निक इतने अच्छे। अगेती में समय क्या लग रहा है, ज्यादा समय, ज्यादा और बीज दर ज्यादा। क्यों लग रहा है ज्यादा सर? इसको कहीं कहीं बुक में 500 से 600 ग्राम भी लिखते हैं, तो ये घबराना मत। और यहां मैं लिख देता हूं, ये 300 से 500 की जगह 350 से लेकर 400 ग्राम यही रखना, 350 से लेकर 400 ग्राम, 350 से लेकर 400 ग्राम, ये चीज रखना अपन। अब देखें यहां, तो यहां 500 से लेकर 600 ग्राम और 5 से 6 वीक लगते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अगेती में ट्रांसप्लांटिंग का समय भी ज्यादा लगता है और बीज दर भी ज्यादा है, यहां 4 सप्ताह लगते हैं, यहां 5 से 6 सप्ताह। क्यों? क्योंकि यहां वातावरण क्या है दोस्त, नॉन फेवरेबल है। ये ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं ये भी पूछ लेगा, तो जुलाई और अगस्त में। बिल्कुल अपने दिमाग से याद रखना है कि ये मार्केट में कब आ जाते हैं, तो मार्केट में आ जाते हैं कब, सितंबर में, अक्टूबर में आ जाते हैं। तो इसके 3 महीना पीछे खिसका लेना, सब काम वही से आ जाएंगे। अब यहां मिड वाले के मैंने बोला कि इसका याद रखेंगे दिसंबर, अब दिसंबर से 3 महीना पहले खिसका लोगे, दिसंबर जनवरी सब याद हो जाएंगे। जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल में ये सब आते हैं, लेट वेराइटी आते हैं, तो इसको आप खिसका लोगे, तो इसकी दिसंबर और जनवरी में बुआई होते हैं, किसका, लेट वाले। जब आप 3-3 महीना खिसकाओगे तो रटना इजी नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप रटोगे। तो ये अगेती, ये बहुत अच्छे से मैं आपको पहले ही समझा दिया, अब सबकी दूरी ये याद करवा दिया था, 60-40, 60-45 कर लेना। सबसे कम जो उपज होते हैं वो किसका होते हैं, अगेती का। सबसे कम उपज किसका होता है, अगेती का। अब इसका देखो, इसका तो 30 टन के आसपास है, 30 टन, 25 से 30 टन है, और इसका 6 टन है। तो जरा आप मुझे बताना कि भाई अगेती वाले का, अर्ली वाले का यील्ड तो आपने बोला सर लगभग 6 से मान ले 10 टन के आसपास है, और लेट वाले ये हो रहे हैं, लेट वाले ये हो रहे हैं 25 से लेकर 30 टन, यानी कि उत्पादन में ज्यादा नहीं 3 से 4 गुना का अंतर है। 4 गुना का क्या है मेरे दोस्त, अंतर है। अब सर ये अंतर है तो मैं आपसे पूछूं कि जब आप नौकरी लग जाओगे तो किसानों को कौन सा वैरायटी का राय दोगे, अगेती लगाओ, मध्यम लगाओ, पछेती लगाओ, कौन सा राय दोगे? देखो अगर पूछेगा कि एज ए ऑफिसर आप किसान को, फार्मर को क्या राय दोगे, अर्ली वैरायटी लगाने का, मिड वैरायटी या लेट वैरायटी, या सभी को लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही को लगाना है, एक को, तो आप किसानों को क्या राय देंगे? जल्दी से आप कमेंट टिक करें, ए बी सी डी, किसानों को आप कौन से वैरायटी की राय दोगे? लो प्रोडक्शन अर्ली वैरायटी, बिल्कुल अशोक नागर, बिल्कुल सही बात है। नॉन फेवरेबल कंडीशन, ड्यू टू नॉन फेवरेबल कंडीशन लो प्रोडक्शन, बिल्कुल सत्य बात है कि लो प्रोडक्शन होंगे। जगदीश जी आंसर का आपका इंतजार रहेगा। रामहित कुमार बैरवा, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, मोस्ट वेलकम। मधु शर्मा, मुकेश नागर, अक्षय कुमार मीणा, जो मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो फट सा आंसर डालेगा, ऐसे टुप सा डालेगा। कुणाल धाकर देख ले, पढ़ा पढ़ा सब। अक्षय, अर्ली वैरायटी, अर्ली वैरायटी बिल्कुल, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो दिमाग लगाना। ये सब जो ऐसे ऐसे भेज रहे हैं ना, मान ले कि बस अब देख, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, जैसे कातिल,
ये लेट वेराइटी। जो नहीं पढ़े होंगे, जो आए सब मनराज उनराज सब ये स्टूडेंट्स है, चले आगे बढ़े। मधु ये देखो कौशिक रेड्डी ये आ गए ना बी नंबर। जो नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यही तो दिक्कत है। अशोक नागर, दीपचंद्र, प्रजापत, निधि अग्रवाल ए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बताओ इसकी तो एकदम उत्पादन कम है भाई, 6 से 10 टन है यील्ड की बात करें। अब इसका उत्पादन 30 टन के आसपास है, 4 गुना का अंतर है। फिर भी हाँ मिड और लेट दोनों का हमने क्या बोला, 4 गुना का डिफरेंस है। फिर भी हम किसानों को कौन राय देंगे अगेती, लेकिन आपको क्लाइमेट देखकर बताना है बिल्कुल। ये नहीं बीकानेर में जाके राय दे दे रहना, जैसलमेर में दे देना, वो लट मारेगा वहां, वहां होंगे ही नहीं। तो आप एज ए जनरल सब ट्रॉपिकल में हम राय क्या देंगे, अर्ली। क्यों देंगे? क्योंकि जब अर्ली वेराइटी आते हैं मार्केट में, जैसे अगेती आता है, देखो हम फूलगोभी कब से खाने लगते हैं पता है, अक्टूबर से रखते हैं। अक्टूबर से ये चलता है कहां, अप्रैल मई तक, अभी भी आ रहे हैं। अब तो सालों भर मिलते हैं ग्रीन हाउस के कारण। तो ये अक्टूबर से मान लेते हैं अप्रैल तक मिला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 6 माह, 6 माह, ये ना 6 माह एक ही चीज को खाते 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 बोर हो जाओगे। कोई भी चीज को आप खाओगे ना लगातार 1-2 महीना कुछ भी हो खाने का, बोर हो जाओगे। फिर आप टेस्ट बदलना चाहोगे, अरे सर अब नहीं अच्छा लग रहा है। हमेशा जीवन हमारे इंसान की दस्तूर है, हम बदलना चाहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा टेस्ट बदल डाले। अब अप्रैल के बाद तुझे फूलगोभी नहीं मिल रहा है, कब, सितंबर तक, अक्टूबर तक, यहां तक फूलगोभी नहीं मिल रहे हैं। 6 माह तुझे फूलगोभी नहीं मिल रहा है, जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ग्रीन हाउस में तो मिलते रहते हैं, यहां नहीं मिल रहे हैं। तो 6 माह के बाद हम जैसे ही फूलगोभी देखेंगे ना, फूलगोभी खाने की इच्छा होगी। हालांकि साइज क्या है, छोटा है, लेकिन फिर भी इच्छा होंगे। लेकिन ये सितंबर वाले फूलगोभी जिसकी साइज छोटा है, ये तुझे देगा 60 रुपया से लेकर 80 रुपये केजी। छोटी सी फूल देगा ये 50 रुपया, आधा केजी भी नहीं होते। अब यहां अप्रैल और मई, ये मार्च वाले फूलगोभी, ये 1 केजी आपको दे देगा केवल 5 रुपये, यानी इसकी प्राइस 5 रुपये प्रति केजी हो जाते हैं, और ये चलता है 40 से 50 रुपये प्रति केजी। यानी प्राइस की बात करें तो 10 गुना का अंतर है। प्राइस का कितना है, 10 गुना, और उत्पादन में 3 गुना का अंतर। तो हमें इनकम कमाना है पागल, इनकम उसमें कहां रहे हैं, 10 गुना, 10 से 15 गुना ज्यादा, और इसमें इनकम कितना है, केवल 3 गुना ज्यादा है। तो कौन ज्यादा अच्छा है, अगेती वाले कौन है अच्छा, अगेती अर्लियर वेराइटी, बिल्कुल सही है। चले आगे बढ़ते हैं, पीएच की बात कर लिया। देखो पीएच हमने समझा दिया था, पीएच कितना है, जल्दी से करते हैं, 5.5 से 6.5 उपयुक्त तापमान, बिल्कुल सही है। कड आरंभ होने के लिए उपयुक्त तापमान पहले बता चुका हूं, भंडारण सबका बता दिया, वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं 0 डिग्री पे, नरबंधता के लिए कौन है, पियर्सन साहब ने विकसित किया था। लेकिन फूलगोभी को लाया था कौन, इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस इंडिया में किए थे, वो किए थे जेनसन ने, किसने किया था, जेनसन साहब, कहां से किए थे, LONDON, लंदन से। तो लंदन से फूलगोभी का क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था कहां, इंडिया। तो ये याद रखना, सर दुख रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा। स्कोपिंग की क्रिया बीजो उत्पादन के लिए मैं पहले ही पढ़ा दिया आपको, सीड प्रोडक्शन में सहायता करते हैं, कर्ड के मध्य भाग को हटाना क्या कहलाते हैं, स्कोपिंग। देखो ये फूलगोभी है, ये समझा देता हूं, आप कल्चरल ऑपरेशन वाले वीडियो पढ़ लेना, कल्चरल ऑपरेशन डाला होगा यूट्यूब में, आप प्लेलिस्ट में जाना और देखना, सारे कल्चरल ऑपरेशन मैंने एक ही जगह पढ़ाया, वहां बहुत शानदार पढ़ाया हूं स्कूपिंग क्या होते हैं। ये कर्ड को बीच से ना हटा देते हैं, कर्ड को बीच से हटा देते हैं, कुछ इमेज दिया होगा देखना इसमें, ये देखो स्कूपिंग बड़ा अच्छा है। ये स्कूपिंग का मतलब कर्ड को बीच से हटा दिए। अब हम क्या है, हम कर्ड को लेते हैं, उसके बाद इस पेड़ पेड़ को काट देते हैं,
प्लांट को ही कट कर देते हैं, बट हमें क्या मतलब। लेकिन नहीं, जो बीज उत्पादन करते हैं, ठंडे प्रदेश में बीज उत्पादन होता है, क्योंकि सीड प्रोडक्शन के लिए तापमान चाहिए, जानते हो, 8 से 10 डिग्री, और 10 डिग्री इस एरिया में संभव नहीं है, कि राजस्थान में नहीं संभव है, गुजरात में नहीं संभव है। अब आपसे कोई पूछेगा सीड प्रोडक्शन कब होंगे बताना, तो तुम तुरंत जवाब दोगे एकदम ऐसे मन करके, अगेती। अगेती में कर्ड बनेगा कब, सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीने के बाद बीज बन जाएंगे, फूल आएगा, फूल में फल लगेंगे, फिर बीज बनेगा। हम ये बीज नहीं देख पाते हैं, ये कहां देखोगे, ठंडे प्रदेश में इसके बीज उत्पादन होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मिड वाले, तो बिल्कुल मिड वाले दिसंबर में आएंगे, दिसंबर के 3 महीने बाद, दिसंबर जनवरी यानी अप्रैल में उसके बीज उत्पादन होंगे, और अप्रैल के महीने में चाहिए 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर, जो संभव नहीं है राजस्थान में, गुजरात में संभव नहीं है, बिहार में संभव नहीं है, उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है, इसीलिए यहां बीज उत्पादन हम नहीं देख पाते हैं। अगर बोला लेट सीजन, तो लेट सीजन तो और संभव नहीं है, क्योंकि इसका कर्ड ही आएगा लेट वाले का मार्च में, और मार्च अप्रैल मई जून, जून में फूल आएंगे और बीज आएंगे, तो जून में तो चाहिए 8 से 10 डिग्री, ये अलग और संभव नहीं है। जैसे अभी मर रहा हूं देख, अभी टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री, तो संभव ही नहीं, तो कहां संभव है बीज उत्पादन, तो ये ठंडे प्रदेश में, पहाड़ी एरिया में संभव है। खास करके अगर पूछा जाए लेट वेराइटी का क्या सीड प्रोडक्शन संभव है, ये प्लेन एरिया में तो कतई नहीं है। अर्ली वाले तो कर भी सकते हैं, क्योंकि भाई वो दिसंबर जनवरी में उस समय ठंड रहते हैं, तो उसका बीज उत्पादन संभव भी है अर्ली वाले, लेकिन मिड और लेट का बीज उत्पादन संभव नहीं है किस एरिया में। और ज्यादा अगर एक ही टिक मारना हो, तो लेट वाले का बीज उत्पादन संभव नहीं है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो यहां स्कूपिंग कर्ड के बीच से हटा देना, अब हटा दोगे तो यहां से क्या आएंगे, इसके फूलों के डंठल आएंगे, ये देखो ये सारे फूल आने लगे, तो ये यहां से दिख रहा होगा, कर्ड को हटाने के बाद यहां से फूलों के इस तरह से क्या आए, डंठल आए। अब जब फूल आ जाएगा दोस्त, तो फूल आएंगे इसमें, तो फूलों के अंदर क्या लगेगा, फल लगेंगे, और फल के अंदर, फूल के अंदर फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या, बीज लगेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्रिया को कहते हैं क्या, स्कूपिंग। और स्कूपिंग किसके लिए करते हैं, तो सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा, सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी निपटा के ही जाऊंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं, कि क्या है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी शायद जेंसन ने ही दिया था, मुकेश नागर, ये थोड़ा पता करना, मुकेश, एमाजिंग सर, अभय शर्मा, स्कूपिंग स्टंपिंग पढ़ा दिए हो सर, बिल्कुल अशोक पढ़ा चुका हूं, किसमें पढ़ा दिया हूं, कल्चरल ऑपरेशन में, बिल्कुल। जेट एग्जाम 11 जुलाई को ही होगा क्या सर, अभी आप वही मान के चलो 11 जुलाई को है, क्योंकि जब चेंज किया ही नहीं तो आप क्यों चेंज करवा रहे हो, अगर आप यही समझते हो तो ठीक है, वही चलने दे, 11 जुलाई को ही। बहुत ही अच्छा गुरुजी श्याम सुंदर शर्मा जुड़े हुए, शाम सर आप लेट जुड़ते हो, इस टाइम तो हमारे सारे लड़के चले जाते हैं, लड़के आते हैं बेचारे 8 बजे 15 मिनट के लिए, वो आते हैं 7:30 से क्लास करता हूँ, 7:45 तक लड़के जुड़ते हैं, 7:45 से मान लो 7:45 से लड़के 8:15 तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, बेचारे थक जाते हैं 10 मिनट में। ओके सर, धर्मपाल फॉरगेट, सुपर क्लास निधि अग्रवाल, तो इसके क्या वेराइटी करवाऊं, अगेती, ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको कल याद दिला देना, नहीं तो अगर आपको ज्यादा पढ़ लिए हो कि सर आज तो हो गया, सर जी हॉर्टिकल्चर के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, बिल्कुल मैं हॉर्टिकल्चर के लिए टेस्ट सीरीज, जेआरएफ के लिए अभी टाइम तो थोड़े लगेंगे, 10 दिन आप रुक जाओ, अभी जेआरएफ के एग्जाम होने वाले भी नहीं, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, आराम से होंगे, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे अपन। हॉट वाटर रामहेत, थोड़ा सा बातें कर लूं यार, थका मार मारता, चल पढ़ा दूं, 5-10 मिनट और वैरायटी कर लेते हैं, कल कोल करो पे इसका पत्ता गोभी कर लूंगा, और छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लेंगे, ब्रुसेला स्प्राउट ज्यादा नहीं पढ़ना है, गांठ गोभी नाराज हो जाएगा ज्यादा पढ़ोगे, हल्का हल्का केल उल 5-5 7-7 पॉइंट कर लूंगा, ज्यादा नहीं। करेक्ट मुकेश, हरिराम सर के स्टूडेंट, सर हम तो लास्ट तक रहते हैं, बिल्कुल रहना भी चाहिए, देखो लास्ट तक रहना भी चाहिए,
जो इफेक्टिव लड़का होते हैं ना वो 50 ही होते हैं। मैं क्या बोला, केमिस्ट्री में देखो 40 लड़का हमारे हैं जुड़ना के, तो जुड़ने, और मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मेरा सौभाग्य कि 45 लड़का जुड़ता हूँ। आज मैं एक से एक देखा हूँ जिनके 30-30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो ये 10 लड़के 15 लड़के रहते हैं केमिस्ट्री में, 20 लड़के हमारे, हम तो कम से कम 8 हज़ार ही सब्सक्राइबर हूँ भाई, छोटा कोचिंग वाले आदमी हूँ, फिर भी हमारे 45 लड़के हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री से गर्व होता है। अरे यार जुड़ते हैं लड़के, और ये लड़के क्यों चले गए मुझे पता है कि कुछ लड़के को मैंने पढ़ा दिया था फूल गोभी, इसलिए ठीक है। ऑनलाइन जी सर, जी सर पढ़ा दो, अक्षय गुड नाइट सर, देखो धर्मपाल पढ़ा दो सर, रामहित बैरवा राम राम सर, गणेश गुप्ता हॉर्टिकल्चर के लिए टेस्ट बिल्कुल चलाएंगे, रितेश जी मैंने आपको बोल दिया कि बिल्कुल आपके टेस्ट सीरीज मैं शुरू करूंगा, निधि अग्रवाल हर एक टेस्ट सीरीज अब मैं आपको शुरू कर दूंगा, आप घबराओ मत, अभी जितने टेस्ट सीरीज मेरे ऐप पे डाले हुए हैं वो आप करो, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, 1 रुपया उसके फी है, आप वहीं से, वो भी रजिस्ट्रेशन फी है, आप करके टेस्ट सीरीज दो, आप कोई चार्ज नहीं है। और आप याद रखना कल के बाद, आज सोमवार है ना, मंगल बुध वेडनेसडे से अच्छा दिन भी है, वेडनेसडे से अपन शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज, बिल्कुल वो 20-30 मिनट का जो टेस्ट सीरीज, हर एक दिन 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज रहेगा, उस पे अपन अगले दिन डिस्कस करेंगे कौन विजेता है, तो वो ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा एक कंपटीशन की भावना भी अपन जगेंगे, और वो टाइम सही रहेगा आपके लिए। अभी मैं 8:30 तक पढ़ा देता हूँ आपको, जैसे ही पढ़ाऊंगा समय भी बर्बाद नहीं होंगे, और तुरंत टेस्ट सीरीज 9 बजे से, तो आप अच्छा भी कर दोगे। जगदीश चंद सर पढ़ा दो हॉर्टिकल्चर के लिए टेस्ट सीरीज, चलो पढ़ा ही देता हूँ, हटाओ ये, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ अब देखो, आगेती किस्म है जिसका नाम क्या है, सितंबर अक्टूबर में परिपक्व। अभी मैं बार बार यही बोल रहा हूं ना कि कब ये परिपक्व होंगे, सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर में होगा सर, तो बताओ ना यार गुरुजी, 3 माह का, 3 माह पहले कर लोगे तो इसकी प्रक्रिया कहां से शुरू करोगे, आप जून जुलाई से ही करोगे, बिल्कुल करोगे ना जून जुलाई से, उसके बाद 1 महीना लगेंगे, फिर ट्रांसप्लांटिंग करोगे, ट्रांसप्लांटिंग जब करोगे तो उसमें 60 दिन लग जाएंगे इसके कर्ड बनने में, तो ये सारे क्रिया उरिया जोड़ के 80-85 दिन का खेला है, ये समाप्त हो जाएंगे, तो 3 महीना का ये खेल चलेंगे भी। हाँ सर पढ़ा दो, पढ़ा दिया है लो। अब हम बात करते हैं अक्टूबर में ना एक फेस्टिवल आता है जिसका नाम है दीपावली, ध्यान से समझना, तो दीपावली ये मुझे काम आएंगे, अक्टूबर नवंबर में ना इसके एकदम पर्व आते हैं दीपावली। हम लोग ना जब पीएमटी की तैयारी करते थे कोटा में, तो 10 दिन की छुट्टी, मैं बहुत नवाब बना था उस टाइम, नहीं, घर नहीं जाऊंगा, एकदम दिल लगा के कोटा में पढ़ूंगा, यही पीएमटी की तैयारी करना है, जानते हो सारे लड़के दीपावली में घर चले गए। मैं बिहार का आदमी, पहली बार समझ में आया था कि राजस्थान में दीपावली इतने धूमधाम से मनाते हैं, कोई रुका ही नहीं, मुझे भी मन नहीं लगा 10 दिन, सही बताऊं ना घर गया ना पढ़ाई हुआ। तो दीपावली कब होते हैं, 10 दिन का छुट्टी, 10-15 दिन का, अक्टूबर में, तो याद रखोगे। और इस समय बिहार उत्तर प्रदेश में एक छठ पूजा होते हैं जो कार्तिक में होते हैं, छठ माता के पूजा होते हैं, कब, कार्तिक का महीना, तो ये कार्तिक का महीना, कार्तिक ये महीना, तो दीपावली भी कह सकते हो कि ये हिंदी के किस माह में होते हैं, कार्तिक। अब ये कार्तिक कब आता है, तो ये अक्टूबर में आ सकते हैं या नवंबर में आ सकते हैं, ये एक छोटी सी जनरल कहानी है जिससे हमें बहुत प्रश्न बनेंगे। देखो दीपावली कार्तिक के महीना या अक्टूबर नवंबर है, और ये अगेती वेराइटी है, जब दीपावली शुरू हो जाए उसी टाइम फूलगोभी मार्केट में आ जाए। अरे यार फूलगोभी तो सर अक्टूबर नवंबर में लगाते हो, फिर बोल रहे हो उसी टाइम मार्केट में आ जाए, तो मार्केट में आ जाए इसलिए अगेती कहते हैं, अब वो अगेती है। देखो तो अगेती वाले में क्या याद रखेंगे, अर्ली वेराइटी में, अर्ली में एक तो लगा रहेगा अर्ली, अर्ली में एक तो लगा रहेगा अर्ली, ये इंपॉर्टेंट है, अर्ली कुवारी, अर्ली सिंथेटिक, अर्ली अर्ली कर लेते हैं पहले, अर्ली पटना, ये हो गया। अब दीपावली या कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, तो देखो दीपाली याद हो जाएगा, केतकी कार्तिकी, अब क्या बचा, अर्ली कुवारी, इसमें जरूर पूछेगा फूलगोभी में, आपसे पूछेगा फूलगोभी में बताओ अर्ली वेराइटी कौन है, मिड वेराइटी कौन है, लेट वेराइटी कौन है, अर्ली वेराइटी कौन है, मिड वेराइटी कौन है, लेट वेराइटी कौन है, तो आप गलत मत करना, अर्ली वेराइटी कौन है तो ये ध्यान में होना चाहिए, सिंथेटिक, पूसा दीपाली, केतकी, अर्ली पटना और कार्तिकी, समझ में आया। तो
तो या तो अर्ली लगा रहेगा उसमें, और या तो क्या लगा रहेगा, कार्तिकी दीपाली ये सब लगा रहे तो अर्ली वेराइटी है। अब आगे आते हैं, मध्यम कृष नवंबर दिसंबर में मार्केट में आ जाएंगे। अब इसमें एक ही शरद इंप्रूव्ड जैपनीज अगहनी, इंपोर्टेंट अगहन, तो ये कभी नहीं आते हैं मध्यम वाले, लेट वाले जरूर आते हैं, पछेती लेट वेराइटी। तो ये जनवरी से लेकर अप्रैल में परिपक्व, ये कैसा होते हैं, सेल्फ ब्लांच, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्व ब्लांचिंग होते हैं। स्नोबॉल लगा रहे तो ये पछेती का उदाहरण है, स्नोबॉल लगा रहे तो किसका है, पछेती, इंपोर्टेंट। हिम ज्योति सिंथेटिक, तो स वाले रहे सिंथेटिक रहे, स्नोबॉल रहे तो ये सब, सुब्रा रहे स शंकर ऐसा ऐसा, ये सब सारे किसका है, पछेती, ये स वाले सब पछेती, सिंथेटिक रहे, सुभरा रहे, स्नोबॉल रहे, स्नोबॉल 16 स्नोबॉल 17 ऐसा ऐसा रहे तो ये पछेती। और पछेती क्या होते हैं, सेल्फ ब्लांच वैरायटी होते हैं। तो ये दोस्त हमने कंप्लीट किया, जानते हो, एकदम कोल क्रॉप 2 दिन लगाया और 1 दिन फूल गोभी इसका, जबकि अभी भी आप कहते हो डिजीज डिसऑर्डर और इंसेक्ट पहले पढ़ा चुका हूं, वेजिटेबल्स के डिजीज और डिसऑर्डर पहले पढ़ा चुका हूं सबको, तीन तीन चार चार लेक्चर वो वहां है, तब इतने टाइम लग जाते हैं, जबकि लिखाता नहीं हो जनरल उनरल कुछ नहीं, फिर भी टाइम लगते हैं। तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं दोस्त, कल फिर मिलेंगे आपके साथ, और टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर लेना, नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन होंगे, वहां पे आप डाउनलोड करना हाईटेक क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से, उसके बाद अपन परसों से टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल डेली प्राइस भी आपके रहेंगे, डेली अवार्ड, और डेली आपके नाम यहां पुकारा जाएगा कि टॉपर कौन है, 10 लड़के का नाम बिल्कुल मैं सम्मान पूर्वक यहां से मैं लूंगा, और फर्स्ट जो लड़के होंगे उसको ऐप जो देना चाहता है वो ले सकता है। चले मामराज गुज्जर जी, 80 से 90 दिन, बिल्कुल 85 दिन मैंने बोला ना, एवरेज रखते हैं 80, 3 महीना वाले। हाँ तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं सर, अपने अपने जान पहचान नहीं नहीं तो हमारे गांव और आ जाते दीपावली मनाने, कोटा से 15 किलोमीटर, उस टाइम अशोक नगर कहाँ जान रहा, मैं कोटा 2008 में था, कितने में, 2008 में, आप लोग कहाँ जानते थे उस समय, मजा आ गया सर। चलो फिर बाकी कहानी कल करते हैं, आज बहुत देर हो गई, अपन थक गए, 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कल फिर बोल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।